आज के इस वीडियो में हम सीलिंग फैन के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। ये जो हमारा सीलिंग फैन होता है उसका कनेक्शन प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि जब भी आप सीलिंग फैन के कनेक्शन के बारे में सोचते होंगे तो या आप किसी सीलिंग फैन को देखते होंगे तो उसमें दो प्रकार के, मतलब जो अंदर से जो तार निकलते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर वो कंपनी फिटेड, मतलब कंपनी के द्वारा बाइंड किया हुआ अगर सीलिंग फैन है तब, या जल कर अगर वो सीलिंग फैन जल गया है और रीवाइंड करके सीलिंग फैन आया हुआ है तब। तो जब मतलब कंपनी के द्वारा जब कोई सीलिंग फैन बनाया जाता है तो उसमें तीन वायर का उपयोग किया जाता है, मतलब उसमें तीन वायर अंदर से निकलते हैं, और अगर रीवाइंडेड अगर सीलिंग फैन है तो उसमें चार वायर होते हैं। ठीक है, तो ये तीन वायर का कनेक्शन हम कैसे करेंगे, चार वायर का कनेक्शन हम कैसे करेंगे, इसमें जो रनिंग वाइंडिंग होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों कहाँ कहाँ पर होती है, कहाँ कहाँ पर स्थित होती है, लोगों के मन में इस चीज़ के लिए कन्फ्यूजन होता है, और एग्जाम में या इंटरव्यू में अगर पूछ लिया जाता तो आप मोटर की तरह बताने लगते हैं आप, वो कि गलत हो जाता है। इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर जो सीलिंग फैन होता है उसमें कहाँ पर रनिंग वाइंडिंग होती है, कहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, मतलब इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए समझते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जो सीलिंग फैन का जब कनेक्शन होता है, अगर सब कुछ मतलब कंपनी का फिटेड है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल हमको यहाँ पर क्या होता है, देखिए इस प्रकार का कनेक्टेड होता है, इसमें यहाँ पर हमको फेस देना होता है और यहाँ पर हमको न्यूट्रल देना होता है। ये तो हो गई एक सिस्टम की बात, मतलब सब कुछ अगर फिटेड है तो। लेकिन अगर आपको अंदर से तीन वायर निकले हुए हैं या चार वायर निकला हुआ है, तब आप किस प्रकार से कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे उसमें और किस प्रकार से सप्लाई देंगे, आइए समझते हैं। तो देखिए जब भी आप किसी सीलिंग फैन को देखेंगे तो इस प्रकार से उसके अंदर पूरा, मतलब ये मान लीजिए एकदम फिटेड कम जो सीलिंग फैन है वो इस प्रकार से है, उसमें देखिए एक वायर यहाँ पर लगा हुआ है, दो इसमें लगे हुए हैं, दो इसमें लगे हुए हैं, सिंपल। और ये देखिए बीच वाला जो होता है इसमें स्क्रू लगा ही नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी सप्लाई आपको देनी नहीं होती है, मतलब यहाँ पर कोई तार कनेक्टेड नहीं होगा। अब इसके बाद आपके पास कितने वायर बचते हैं जो सप्लाई देने के लिए, आपके पास दो होते हैं, एक आपका फेस होता है और आपका एक न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर सिंपल आप फेस दे दीजिए और यहाँ पर आप सिंपल न्यूट्रल दे दीजिए, आपका जो पंखा है वो चलने लगेगा। लेकिन अगर इस प्रकार से तीन वायर आपको दिया गया है, देखिए अंदर से कितने तार निकले हुए हैं, एक तार ये पीला वाला, एक तार ये लाल वाला और एक तार ये नीला वाला, अगर तीन वायर निकले हुए हैं और उसके बाद ये हमारा कैपेसिटर के दो तार निकले हुए हैं, अब इसका आपको यदि कनेक्शन करना है तो आप कैसे करेंगे। इसके अलावा इस प्रकार से देखिए तीन तार इसमें भी निकला हुआ है। तो देखिए जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन में यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार से अंदर का जो रोटर होता है वो किस इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा रोटर होता है। लोगों को अक्सर समझने में दिक्कत आती है, कंफ्यूजन आती है कि इसमें रनिंग वाइंडिंग कौन सी है और स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है। तो देखिए आसानी से आप समझ लीजिए कि जो ये अंदर वाली एक वाइंडिंग की गई है और एक वाइंडिंग ये बाहर वाली वाइंडिंग की गई है, तो जो अंदर वाली वाइंडिंग की गई है, ये वाली जो वाइंडिंग है ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है, और ये वाली जो वाइंडिंग है हमारी यह रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो ये बाहर वाली जो वाइंडिंग है ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है और जो अंदर वाली जो वाइंडिंग है वो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि अंदर वाली वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग और बाहर वाली जो वाइंडिंग है वो हमारी रनिंग वाइंडिंग है। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो सीलिंग फैन का जो रोटर होता है इसमें एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि देखिए इसमें क्वाइल इतनी बड़ी है, दूसरे वाले की जो बाहर वाला है जो कि हमारा रनिंग वाइंडिंग है उसमें देखिए क्वाइल देखिए कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी क्वाइल है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो वाइंडिंग की जाती है जो रोटर में जो पंखा होता है उसकी जो वाइंडिंग होती है उसमें जो दोनों वाइंडिंगों में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें जो क्वाइल होती है वो छोटी होती है और उसमें टर्न की जो संख्या होती है वो कम होती है, ठीक है, और वहीं पर जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसकी जो क्वाइल होती है वो बड़ी होती है। देखिए क्वाइल कितनी बड़ी है, मतलब ये हुआ कि जो रनिंग वाइंडिंग है उसकी क्वाइल बड़ी होगी और टर्न की संख्या ज़्यादा होगी, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी वह क्वाइल छोटी होगी और उसमें टर्न की संख्या जो होती है वह कम होती है। इसमें जो वायर गेज का उपयोग किया जाता है वो एक ही वायर गेज में उसी वायर गेज से
रनिंग और उसी से जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग का उपयोग मतलब भरा जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि रनिंग वाइंडिंग कौन सी है, स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है, किसकी कॉइल छोटी होती है और किसकी कॉइल जो है हमारी वो बड़ी होती है। और यह जो हमारा सीलिंग फैन होता है यह परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है। परमानेंट कैपेसिटर मतलब जब तक आप इसको कैपेसिटर से कनेक्ट नहीं करेंगे मोटर जो यह सीलिंग फैन है वो चलेगा नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए चार तार का उपयोग किया गया, देखिए चार तार निकले हुए हैं। अब इनका हम कनेक्शन कैसे करेंगे वो आइए समझते हैं। तो अब देखिए ये देखिए तीन तार यहाँ पर निकला हुआ है और चार तार यहाँ पर निकला हुआ है। अब आपको जो कैपेसिटर है उसका कनेक्शन कैसे करना है और सप्लाई कैसे जोड़नी है वो आइए देखिए। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसके अंदर जो कॉइल होती है, वाइंडिंग होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से एक वाइंडिंग होती है और एक वाइंडिंग हमारी बड़ी होती है, ठीक है। इस प्रकार से होती है, दो वाइंडिंगें इसके अंदर होती है जिसमें से ये वाली जो वाइंडिंग है ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये वाली जो है रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कनेक्शन किस प्रकार से करना है ये चीज आप समझ जाएंगे तो ये दोनों कनेक्शन आसानी से आप कर पाएंगे। ये सीधे सीधे आपको दोनों तारों को इस प्रकार से ज्वाइंट कर देना है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखिए चार तार दिख रहे हैं ना। तो इन दोनों तारों को इस प्रकार से शॉर्ट करके एक तार निकलेगा जिसमें हम सिंपल न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। मतलब ये हुआ कि देखिए दो काले हैं दो लाल हैं, तो इसमें से इन दोनों तारों को आपको एक साथ ट्विस्ट कर देना है और इसमें आपको न्यूट्रल दे देना है, सिंपल तरीका। अब आपके पास बचे कितने तार, एक तार ये बचा और एक तार ये बचा, दो तार बचे यहां पर देखिए, दो तार बचे। अब इन दोनों तारों के बीच में आपको कैपेसिटर लगा देना है, ठीक है। यहां पर आपने कैपेसिटर लगा दिया और उसके बाद आपको सप्लाई किसमें देनी है, इस रनिंग वाला जो है इसमें आप में आपको फेस देना है, ठीक है। अब इसमें आपको चेक करना है, अब चेक कैसे करेंगे देखिए, क्या है कि इसके और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको नोट कर लेंगे और इसके इसके बीच में लाल लाल के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको देख लेंगे। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वह हमारे, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो हमारा रनिंग वाइंडिंग होगी और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी वो क्लियर हो गया और जो रनिंग वाइंडिंग है वो क्लियर हो गया। अब इन दोनों के बीच में आपको जो मतलब शॉर्ट कर देना है, दोनों तारों को ट्विस्ट कर देना है। अब बाकी जो दोनों बचे तार इनके बीच में आपको इस प्रकार से कैपेसिटर जोड़ना है, ठीक है। इस प्रकार से आप कैपेसिटर जोड़ करके आप देख लीजिए उसमें कि जो आपकी रनिंग वाइंडिंग हो, मान लीजिए ये रनिंग वाइंडिंग है तो इसमें आपको फेस दे देना है। इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है, मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो यहां पर आप इस प्रकार से फेस दे देंगे, पंखा आपका चलने लगेगा और सीधा चलेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको कनेक्शन किस प्रकार से करना है, जब आपको चार तार मिलेगा तो सिंपल इन दोनों तारों को आपको इस प्रकार से मतलब ज्वाइंट कर देना है और यहाँ पर आपको न्यूट्रल दे देना है, ठीक है। और ये जो है इसमें एक तार ला करके इसमें कनेक्ट करना है और एक तार ला करके इसमें कनेक्ट करना है, ठीक है। दोनों तार आपने कैपेसिटर में कनेक्ट कर दिए। अब इसके बाद आपको ये क्लियर करना है कि कौन सी कॉइल जो है या कौन से रंग का जो तार है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे। मतलब इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस देख लेंगे और इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस देख लेंगे, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी वाले में आप फेस का सप्लाई का तार जोड़ देंगे। तो मान लीजिए यह लाल वाला तार है, इसमें फेस मतलब इसका रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो सिंपल यहाँ पर आप क्या कर देंगे, फेस की सप्लाई दे देंगे, आपका पंखा सीधा चलने लगेगा। तो ये हो गया चार, जब चार तार निकले होंगे तो इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। अब जब तीन तार निकले होंगे तब आपको कनेक्शन किस प्रकार से करना है, तो देखिए इसमें एक तार जो है हमारा वो कॉमन होगा। अब मान लीजिए कि जो कॉमन तार है वो हमारा ये पीला वाला तार कॉमन है, तो जैसा मैंने बताया था कि इन दोनों को जोड़ करके जो कॉमन बन जाएगा उसको हम क्या देंगे, न्यूट्रल देंगे। तो सिंपल इसमें आप न्यूट्रल दे देंगे और उसके बाद ये जो दोनों तार बचे हुए हैं इन दोनों तारों में आपको पंखे का कैपेसिटर या कंडेंसर जोड़ना है। तो सिंपल आपको एक तार ला करके इस प्रकार से एक तार ला करके इसमें जोड़ देना है और एक तार ला करके इसमें जोड़ देना है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपने न्यूट्रल दे दिया है, अब इन दोनों के बीच में आपने कैपेसिटर जोड़ दिया है। अब इसमें भी आपको इस कामन के साथ में एक बार इसमें जोड़े, इसमें देखेंगे आप जो रेजिस्टेंस आएगा, मतलब कामन के साथ में इसका रेजिस्टेंस देखेंगे और कामन के साथ में इसका रेजिस्टेंस देखेंगे, दोनों में से किसी एक का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब इसके साथ में इसका रेजिस्टेंस और इसके साथ में इसका रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मान लेते हैं हम कि जो लाल तार है इसमें इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमको फेस दे देना है और पंखा हमारा सीधा चलने लगेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के बात ये हुई कि आपको सिंपल थंब रूल आपको मान के चलना है कि जब भी आप पंखे का जब कनेक्शन करने के लिए जाएं तो जो रनिंग वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस जो है वह ज़्यादा होता है, जो रनिंग वाइंडिंग हो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब बाहर वाली जो वाइंडिंग होती है वो रनिंग वाइंडिंग होती है और उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और फेज का वायर जो होता है वो रनिंग वाइंडिंग में ही आपको कनेक्ट करना है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी में आपको फेज वायर कनेक्ट करना है और पंखा आपका सीधा चलने लगेगा और उस वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है और पंखा सीधा चलने लगेगा। दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दोनों कॉयलें हैं उन दोनों कॉयलों के एक एक सिरे को आपको शॉर्ट कर देना है, ठीक है, और उसमें आपको न्यूट्रल दे देना है। जब एक एक सिरे को शॉर्ट कर दिया, न्यूट्रल दे दिया, बाकी बचे दो तार, एक जो है रनिंग का बचा और एक स्टार्टिंग का बचा। अब इन दोनों में आपको चेक कर लीजिए कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब उन दोनों के, मतलब दोनों तार जो बचे हुए हैं उनके बीच में आप कंडेंसर जोड़ देंगे और कंडेंसर जोड़ने के बाद आपको ये पता कर लेना किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसी में आपको सप्लाई दे देनी है। बस इतना करना है, आपका पंखा सीधा चलने लगेगा एक ही बार में। एग्जाम में, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि आप कैसे कनेक्शन करेंगे कि पंखा एक ही बार में सीधा चलने लगे, तो सिंपल सी बात है, जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी में आपको जो फेस है सप्लाई है उसी को देना पड़ेगा, तब भी आपका पंखा एक बार में सीधा चलने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो सीलिंग फ़ैन है उसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं, अगर तीन वायर सिस्टम है और अगर चार वायर सिस्टम है तो कैसे कनेक्शन करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई कन्फ्यूजन बची है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और यदि आपके मन में कोई डाउट है उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो में इतना ही, जय हिंद।